दीपावली के त्यौहार को लेकर फायर विभाग तैयारियों में जुट गया है। आतिशबाजी के भंडारण को लेकर विक्रेताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जिस जगह आतिशबाजी रखी गई है वहां आग बुझाने के इंतजाम करने के लिए कहा गया है, जिससे किसी भी घटना पर तुरंत काबू पाया जा सके। दिनों दिन बढ़ रही आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए फायर विभाग अलर्ट हो गया है। ज्वलनशील पदार्थ के साथ दीपावली के त्योहार के लिए आतिशबाजी का भंडारण करने वालों पर भी फायर विभाग की नजर है। CFO देवेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि दशहरा और दीपावली महत्वपूर्ण त्योहार है। दिवाली का त्योहार लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दिवाली के त्योहार पर आतिशबाजी का भंडारण किया जाता है। ऐसे स्थानों को चिन्हित कर कार्यवाही की जाएगी। इस समय जो है कि सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो हिंदू धर्म का है, सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो माना जाता है दशहरा और दीपावली, जिसको बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें खासतौर छोटे बच्चों और की भागीदारी बहुत होती है दीपावली में आतिशबाजी छुड़ाने के लिए। तो इस पे भी एक इसमें त्यौहार को देखते हुए काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है और अवैध रूप से भंडारण कोई न करने पाए। जहाँ पे इनका लाइसेंस है वहीं पे इसका भंडारण करें, जहाँ पे लाइसेंस है वहीं पे इसका निर्माण कार्य करें। CFO देवेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि आतिशबाजी का भंडारण होने के साथ दुकानों पर भी बेची जाती है। CFO ने दुकानदारों से दुकान के आसपास पानी, धूल मिट्टी के साथ अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था करने के लिए कहा है, जिससे आग लगने पर तत्काल आग पर काबू पाया जा सके। इसके लिए फायर विभाग प्रचार प्रसार भी कर रहा है। विभाग का है कि त्यौहार में किसी प्रकार का कोई दुर्घटना न हो, बहुत अच्छा खुशहाली का त्यौहार है तो खुशहाल से बीत जाए, और इसके लिए पुलिस प्रशासन फायर सर्विस पूरी तरह से मुस्तैद है और एक अभियान भी चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अभी दीपावली में काफ़ी समय है, तब तक इसको वृहत स्तर पर चलाया जाएगा और इसके विक्रय कार्य के लिए और इसका प्रयोग के लिए दोनों के संबंध में विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है। शहर की घनी आबादी में कई स्थानों पर आतिशबाजी का भंडारण किया जाता है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी किरावली समेत कई जगह थोक में आतिशबाजी की बिक्री होती है। फायर विभाग लाइसेंस देखने के लिए चेकिंग अभियान चलाएगा। क्षमता से अधिक पटाखे बेचने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की जाएगी। CNews के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।